ओम शांति। सहस्र रजनी चरित्र से आज सुनते हैं कहानी अल्लाह अवलदीन और जादू का चिराग। अवलदीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह बहुत कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास दो वक्त की रोटी तक का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। एक दिन अवलदीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थक कर जब वह घर पहुंचा, तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो निर्वाह कैसे होगा। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि ना हो। अलादीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? अवलदीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौट रहा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अवलदीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मौत को तो कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है। घर की हालत भी बहुत ख़राब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। बेटा अवलदीन, ये लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने पेट भर खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफ़ा के भाई ने कहा कि मैं पर्याप्त धन कमा कर आया हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल प्रातः अवलदीन को कुछ काम से बाहर ले जाऊँगा। हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफ़ा का भाई नहीं था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अवलदीन को लेकर शहर के बाहर जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ, वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अवलदीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधी आ गईं। वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अवलदीन ने उनसे कुछ रत्न उठाकर जेबें भर लीं और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अवलदीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अवलदीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, उसने कहा। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा। अवलदीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यहीं रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अवलदीन बहुत चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी आवाज़ न सुनी। थक कर वह ज़मीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन उसके सामने प्रकट हो गया। अवलदीन भय से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज में वह जिन बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अवलदीन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अवलदीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो,
जिनने पलक झपकते ही अव्वल दीन को उसके घर पहुंचा दिया। अव्वल दीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव है, अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माना शिव बाबा और अव्वल दीन माना आदि सनातन देवी देवता धर्म, जैसे दिखाते हैं कि ठका करने से अव्वल दीन को राजाई मिल गई, ऐसे ही हम जब शिव बाबा को याद करते हैं तो शिव बाबा हमें सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। ओम शांति।